अरे जो बसें हैं किस तरह से लगी हुई है, पूरी तरह से अब चालू हो गया है। गाड़ी को किए हैं यहाँ पे पार्क, यहाँ पे जो है सारी बसें आपको मिलने वाली है। बस स्टैंड है वो आज पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। टोटल गाड़ी आने से लगने का दिक्कत, जहाँ 10 को जाना, जहाँ 5 को जाना है। और इस तरह से देखिए कि जो हमारा जब नया बस स्टैंड में जब शिफ्ट हुआ है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि सारी जो बसें हैं किस तरह से लगी हुई है। और इस तरह से जो है हमारा पार्किंग वाला क्षेत्र है, जहाँ पे देखिए यात्रियों का जो परिचालन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और इस तरह से हमारा जो है न्यू बस स्टैंड पूरी तरह से अब चालू हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप कहीं की भी बस धर रहे हैं, चाहे उत्तरी बिहार हो या फिर दक्षिणी बिहार, तो आपको यहीं आकर बस धरना होगा। तो दोस्तों, हम लोग जो है अपने गाड़ी को किए हैं यहाँ पे पार्क, और पार्क का कोई फी नहीं लग रहा है। आप वहाँ आराम से अपने बाइक को पार्क कर दीजिए और पार्क करके आप अपना सारा काम कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं इसके, देखते हैं आप अपडेट कि कैसे क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है हमारा जो है पटना SBT है, उस तरह पूरी तरह से जो है शिफ्ट हो चुका है। और पूरी तरह से शिफ्ट होकर हमारा जो न्यू बस स्टैंड है वो पूर्ण रूप से जो चालू हो गया है। और जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो है सारी बसें आपको मिलने वाली है। अब अगर आपको उत्तरी बिहार जाना हो या फिर दक्षिणी बिहार जाना हो, इन सभी जगह की बसें आपको यहीं से मिलेगी। और हमारा जो मीठापुर बस स्टैंड है वो आज पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। तो अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको यहीं पर मिलेगी। तो आइए बताते हैं कहाँ पर कौन सी बसें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो हमारा जो नया बस स्टैंड बसें जो है पूरी तरह से यहाँ शिफ्ट हो गई है। और यहाँ के लोकल से लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत है या फिर सारी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है, आपका नाम क्या है सर? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और ये बताएंगे कि यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करते हैं सर? यहाँ गाड़ी खुलवाते उलवाते हैं। अच्छा, मतलब गाड़ी का जो है देख रेख करना है कि कौन सा बस को चलेगी कौन सा नहीं चलेगी। तो इस तरह की ये जो है देखेंगे कि ये कौन सी बस कहाँ जाना है और कब खुलेगी, इसके देख रेख करते हैं। और ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं। बोलिए सर, आपका क्या यहाँ पे कैसा व्यवस्था है? अभी है जो सर, बहुत यहाँ टोटल गाड़ी आने से लगने का दिक्कत हो गया, गेट नहीं बनाया। अच्छा, बहुत जाम लग रही है। वही वाला लीला यहाँ हो गया, यानी कि जो पुराने वाला बस स्टैंड था उसी का कंडीशन यहाँ पे भी हो गया, और टाइम नहीं चला रही है। अच्छा, जो टाइम था वो टाइम पे नहीं चलेगी कोई बात? टाइम सारा गाड़ी के मैंने 10 को जाना, जहाँ 5 को जा रहा है, टाइम फेल हो रहा है। और कोई जाम के कारण? अच्छा, जाम का सबसे बड़ा समस्या यहाँ चला, यानी पार्किंग सुविधा अच्छी तरह से नहीं है। गेट से निकलना डुबना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो बस स्टैंड है शिफ्ट तो हो गया है, पर यहाँ पे कुछ दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है न्यू बस टर्मिनल का जो है आपका पार्किंग एरिया, और सारी बस इधर साइड में लग चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी हो गई है इस तरह। आप देख रहे हैं कि ये हमारा पार्किंग एरिया है, और यहीं पे हम अपना बाइक को पार्क किए हैं, और यहीं पे हम लोग जिस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लुक आपको न्यू बस स्टैंड का दिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है सारी व्यवस्थाएँ हो चुकी है, और अब हम लोग यहीं पर अपना वीडियो को बंद करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। हमारा न्यू बस टर्मिनल का जो है अपडेट रहा दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा ज़्यादा जो है हो गया है। और अगर आपको मौका मिले, मौका क्या तो आना ही है आपको, तो मौका की तो इसी बात ही नहीं हो रही है।